घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बहुत ही शानदार और घरेलू उपाय। दोस्तों, शरीर में यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति में हमें अपनी जीवन शैली में, खासकर अपने खान पान की आदतों में थोड़ा बदलाव करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने और उसको नियंत्रित करने के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बता रहे हैं, जिनसे आपको 100% फायदा होगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और उसको नियंत्रित रखने के लिए लहसुन सुबह खाली पेट खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन एक सल्फर युक्त एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। लहसुन न केवल बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है, बल्कि इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इस लहसुन की एक या कम से कम दो कली आप इसको छील लें अच्छे से, और अच्छे से इसको सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा लिया करें, और ऊपर से थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म पानी पी लिया करें। दोस्तों, इससे आपको बेहद फायदा होगा और बहुत जल्दी आपके शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो घटकर कम हो जाएगा और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। एक तो ये नुस्खा है, और एक दूसरा नुस्खा है जो बहुत ही कारगर है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेथी दाना। मेथी दाना भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तम है। दोस्तों, एक पानी भरा हुआ गिलास ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच आप मेथी दाना डाल दीजिए, और इस तरह से देखो, ये हमने बनाकर भी रखा है, मेथी का पानी है ये। इस तरह से आप एक भरा हुआ गिलास ले लीजिए और पानी का, और उसमें 2 चम्मच आप रात को मेथी दाना डाल दीजिए, और सुबह जब आप उठें इस पानी को छानकर खाली पेट पी लिया करें, और उन मेथी दानों को भी आप चबा चबा कर अच्छे से खा लिया करें, जो दोस्तों रात में आपने इस पानी में भिगोए थे। रात भर पानी में मेथी भीगने से पानी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण बढ़ जाते हैं, और इसका हर रोज सेवन करने से शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये दो नुस्खे बहुत ही कारगर हैं। यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर लेते हैं तो आपके दिल की बीमारियों का जो खतरा है वो हमेशा के लिए टल जाता है। आजकल बहुत लोग हैं, हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति दिल की बीमारियों से ग्रसित है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना या यदि बढ़ जाए तो इसको कम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, इन दोनों नुस्खों के साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसमें इसकी क्वांटिटी आधी आधी कर दें। यदि आज ठंडियों के मौसम में आप 2 लहसुन की कलियां ले रहे हैं तो उसमें आप 1 कर दें, और 2 चम्मच आप यदि मेथी का दाना आप सर्दियों में ले रहे हैं तो आप इसको 1 चम्मच कर दें। लेकिन इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसको ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताए गए नुस्खे आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।